गाइस, स्पाइडरमैन नो वे होम को रिलीज हुए लगभग 10 दिन से ऊपर हो गए हैं और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है। और आज के मैं इस वीडियो में स्पाइडरमैन नो वे होम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बताऊंगा और मैं इसमें डोमेस्टिक कलेक्शन को अलग बताऊंगा और इंटरनेशनल कलेक्शन को अलग बताऊंगा और इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी रिपोर्ट दूंगा। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले इस मूवी के डोमेस्टिक कलेक्शन पर बात करें तो इस मूवी का डोमेस्टिक कंट्री US है। तो इस मूवी ने US से $467.3 million का कमाई किया है, जो एवरेज के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के बाद अब तक कोई भी मूवी इतना अर्निंग नहीं की है और इवन कोई कोई मूवी तो वर्ल्ड वाइड भी इतना अर्निंग नहीं कर पाई है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ब्लड शॉट मूवी है और डूलिटल मूवी भी, और दोनों मूवी में बड़े बड़े स्टार थे। ब्लड शॉट मूवी में विन डीजल थे और डूलिटल में रॉबर्ट डूनी जूनियर, और दोनों मूवी अपने एयर में बिग फ्लॉप रही थी। खैर, अब इंटरनेशनल कलेक्शन पर बात करें तो बाहर के देशों में इस मूवी ने $587.1 million का कलेक्शन की है, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर भी ठीक ठाक है। और अगर इसे चाइना में रिलीज़ किया जाता तो आई थिंक ये नंबर कुछ और होता, क्योंकि अक्सर मूवी जितना अपने डोमेस्टिक कंट्री में अर्निंग करती है उतना वो चाइना जैसी कंट्री से करके आती है। पर कुछ कंट्रोवर्सीज़ की वजह से US का मूवी अब चाइना में रिलीज़ नहीं होता। वेल, इस अर्निंग में अपने इंडिया का अर्निंग भी शामिल है, जो है $24.9 million, और ये रिपोर्ट US वालों ने दिया है। लेकिन अगर तनन अदर्स की रिपोर्ट की माने तो उनके अकॉर्डिंग ये मूवी 165 करोड़ का बिजनेस की है अपने इंडिया में, जिसे अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो $22 million के आसपास ही होता है। वैसे अगर आप कंट्री वाइज कलेक्शन देखना चाहते हो तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर देख लेना। तो अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो इन दोनों को जोड़ने पर, मतलब डोमेस्टिक कंट्री कलेक्शन और इंटरनेशनल कलेक्शन को जोड़ने पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बन जाता है, और दोनों को जोड़ने पर $1.05 billion तक पहुँच जाता है। और यही इस मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है सिर्फ 10 दिनों का। और उम्मीद करते हैं कि मूवी 2 बिलियन के आसपास अर्निंग करे, तो ये 2 बिलियन का आंकड़ा तो पार नहीं कर पाएगी पर 1.7 1.8 बिलियन तक आराम से अर्निंग कर लेगी। और अगर ये चाइना में रिलीज होता तो फिर ये आराम से $2.5 billion का आंकड़ा पार कर लेती। लेकिन इसे रिलीज़ नहीं किया गया है तो इस पर अफसोस और बात करके कोई फ़ायदा नहीं। खैर, तो वक्त है इस वीडियो को एंड करने का, क्योंकि जो मैंने इन्फॉर्मेशन देने आया था वो मैंने दे दिया। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए आप चाहो तो इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सबका रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।